एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है नवरात्रि का लास्ट डे, नौवीं है। सो अभी हमने तो नहा धो के पूजा पाठ कर लिया, मंदिर गए थे हम। सो सारी चीज़ें हो गई हैं और मुझे बनाना है आज हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी। ये चीज़ें माता रानी की फेवरेट होती हैं, सो यही चीज़ें मैं बनाऊँगी। सो मैं अभी आई हूँ मंदिर से। मंदिर से आने के बाद मैं जाऊँगी चाय पीने, क्योंकि मुझे चाय पीना है। एंड उसके बाद मैं जो भी काम है वो सारे काम करूँगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस। एंड वीडियो में वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ एंड मुझे बनाना है हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी। सो चने की जो सब्जी बनाऊँगी वो बहुत सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि माता रानी को प्याज लहसुन नहीं चढ़ते। सो इसलिए मैं सिर्फ टमाटर मिर्ची डाल के ही बनाऊँगी। सो सबसे फर्स्ट मैं आ गई हूँ किचन में एंड उसके बाद सबसे फर्स्ट मैं बनाऊँगी सीरा। हलवा बनाऊँगी मैं रवे का, और मैंने यहाँ पर बाजू में ही कुकर में ना चने उबलने के लिए, बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब तक ये बॉईल होगा, 4-5 सीटी लगेगी, तब तक मैं यहाँ पे ना सीरा बना लूँगी, हलवा बना लूँगी, मतलब सूजी का। तो सबसे फर्स्ट आप ना कढ़ाई पे थोड़ा सा घी डाल दो एंड उसके बाद आप जो रवा है उसको अच्छे से घी से सेक लो, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब उसका टेस्ट अच्छा आता है। सो उसको अच्छी तरह से बना लेना। एंड मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ना दूध डाला है ना ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, सिंपल भी आपको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। सो मैं इसी तरह से बना रही हूँ एंड यहाँ पर मैं रवे को सेक रही हूँ। एंड जब भी आप रवा सेकते हो सूजी को, तो अच्छा ना कम मीडियम आंच पे सेकना चाहिए, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है। नहीं तो ना कई बार कितने लोग तेज़ आंच में सेकते तो उससे अच्छा नहीं आएगा। सो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा कम आंच में उसको रवे को अच्छी तरह से सेको, इस तरह से देख लो। एंड उसके बाद ना अपना धीरे धीरे चलाते रहो, बीच बीच में रुको मत, नहीं तो वो सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। सो इसलिए आपको आराम आराम से चलाते भी रहना है जब तक सूजी लाल ना हो। एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी डालने के बाद आप उसको और अच्छी तरह से मिक्स कर दो। एंड मिक्स करने के बाद बस नॉर्मली आप पानी ऐड कर दो उसमें। एंड पानी ऐड करने के बाद ये बॉईल हो गया है एंड मेरा यहाँ पे हलवा बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी निकाल लिया है एंड यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई थी वो भी बन चुकी है एंड निकाल दी हूँ मैंने कटोरे में। एंड उसके बाद मेरा काम हो चुका था, सुबह का खाना बन चुका था। सो गाइस, अभी हो रहा है रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 9 एंड आज गरबा का लास्ट डे है। तो हम लोग है तो जाएंगे गरबा देखने के लिए। जो गरबा है तो वो रात की 11 बजे तक ही चालू रहता है। सो इसीलिए अभी 9 बज रहे तो फटाफट हम जल्दी से काम कर लेते हैं एंड उसके बाद जाएँगे देखने के लिए। सो अभी ना 9 बज रहे हैं तो फिर मुझे बनाना है चावल ही फ्राई करने। बस मैंने चावल कुक कर लिया था एंड उसको फ्राई करूँगी। बस हम रात में आज हल्का ही खाएंगे, क्योंकि सुबह हमने बहुत ऑयली खा लिया था। सो इसलिए हम रात में सिर्फ यही चीज़ें खाएंगे एंड फटाफट से मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी, वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी गरबा की, क्योंकि आज लास्ट है ना इसीलिए। एंड चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की जो बटन है उसको क्लिक कर देना, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड फैमिली का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं। सो ये जो वीडियो है ये रात का वीडियो है, क्योंकि मुझे जाना था गरबा देखने। सो हमने सुबह बहुत ऑयली खाया था, सो इसीलिए मैं शाम को सिर्फ चावल फ्राई ही बनाऊंगी। तो मैंने चावल पहले ही बॉईल करने रख दिया था, बॉईल हो चुका था एंड मुझे सिर्फ फ्राई करना था। एंड तो मैंने फ्राई करने के लिए जो भी फ्राई करने से पहले जो चावल रहता है ना गर्म रहता है, इसलिए उसको आप एक प्लेट में निकाल दो, ताकि वो थोड़ा ना जल्दी ठंडा हो जाए एंड फिर नॉर्मली आप उसको बघार दो। तो चावल भी मुझे सिंपल तरीके से ही बघारना था। पता कुछ कुछ कभी कभी चीज़ें ना सिंपल भी बहुत टेस्टी लगती है,
बना के देखना, कभी कुछ चीज़ें नहीं डालना, तो भी सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि नवरात्रि का दिन था तो जो भी चीज़ें हैं तो मुझे लहसुन और प्याज नहीं खाने थे, क्योंकि मैंने सुबह भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि रात में अपन ने दिन में प्रसाद खाया है माता रानी का, तो अभी भी नहीं खाते हैं। सो इसलिए मैंने जो चावल मैंने फ्राई किया था उसको सिर्फ टमाटर और मिर्ची ही डाला था, और थोड़े से मैंने कांदे, हाँ कांदे डाल दिए थे मैंने, मुझे याद नहीं था सॉरी, पर मैंने कांदे डाल दिए थे। सो चावल भी बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, सो आप लोग देखो। यहाँ पे मैंने जो प्याज छील लिया है तो उसे तो डाल देंगे, एंड बीच बीच में वो थोड़ी कुछ ख़राब थी तो उसे मैं निकाल दे रही थी। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से चावल फ्राई करेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने ऑयल डाल दिया था, एंड उसके बाद राई जीरा डालूंगी, मिर्ची डालूंगी, प्याज डालूंगी, ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा, एंड उसके बाद मैं नॉर्मली हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये तीनों डाल के चावल डाल दूँगी। बस बहुत सिंपल तरीके से बनाया था मैंने चावल को, एंड खाने में भी गाइस बहुत टेस्टी था। प्याज है, सारी चीज़ें लाल हो गई है, और उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पक गई है, एंड यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी। सो गाइस यहाँ पे चावल बन गया है, एंड ये देखिए आप लोग देख सकते हो खाने में कितना, देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है। एंड यहाँ पे मेरा चावल फ्राई हो चुका था, मैंने चावल खा लिया था, एंड उसके बाद मैं चली गई थी गरबा देखने के लिए। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लोग गरबा खेल रहे हैं, एंड हम लोग गए थे 10 बजे और हम रात में आए थे 1 बजे। हमने पूरी रात गरबा देखा, रात में 1:30 बजे तक गरबा देखा, एंड उसके बाद घर आए। उस गरबा देखने के बाद हम गए थे थोड़ा बाहर, तो सैंडविच खाया एंड आइसक्रीम खाई, एंड उसके बाद हम घर पे आए। घर पे भी मैंने जो पुलाव बना के गई थी मैं, तो वो रखा था इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, एंड फिर हमने आए, फिर वो खाया, एंड उसके बाद काम वाम किया, बर्तन वर्तन धोया, फिर उसके बाद हम सो गए। सोने में हमें 2 बज गए थे कल की रात में, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, एंड लेकिन लास्ट डे था ना, इसलिए गरबा भी बहुत देर तक चालू था, 12:30 बजे तक। पुलिस भी बीच में आ गई थी, पर पुलिस को जो सम्मान करना था तो
वो चीज़ें हुई एंड उसके बाद फिर से लोग गरबा खेलने लगे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यार गाइस, बहुत ही अच्छा। यहाँ की मुंबई की भी नवरात्रि बहुत अच्छी होती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड फैमिली के शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, हैप्पी दशहरा।